साथियों नमस्कार, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, शिक्षक भर्ती सहित प्रदेश में पूरे 1,00,000 पदों पर भर्ती करने के लिए मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन दिया गया है। साथियों, आप जा रहे हैं विधानसभा चुनाव में 1,00,000 पदों पर भर्ती करने के लिए। जो घोषणा पत्र है मोदी की गारंटी के तहत घोषणा पत्र में शामिल किया गया था कि प्रदेश में 1,00,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, उसी भर्ती को निकाला जाए, उसी पदों को निकाला जाए, इसके लिए ज्ञापन दिया गया है। इसमें शिक्षक भर्ती के भी पद शामिल हैं। इसमें डॉक्टर रमन सिंह जी और ओपी चौधरी सर को ज्ञापन दिया गया है। विस्तार से इस ज्ञापन के बारे में बताऊँगा। जो साथी नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पहली ज्ञापन है ये श्री रमन सिंह जी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ के। देख पा रहे हैं यहाँ स्पष्ट तौर पर विषय के रूप में अंकित है, रिक्त पदों पर जल्द से जल्द भर्तियाँ, टाइम टेबल भी जारी करें, भर्ती घोटाले की त्वरित जांच करने के संबंध में ये जो है ज्ञापन दिया गया है, जिसमें क्या कहा गया है कि हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के होनहार अभ्यर्थी एवं छत्तीसगढ़ के गौरवान्वित निवासी होने के नाते आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। हम आपके समक्ष युवाओं के भविष्य से जुड़े बेहद जरूरी मुद्दे रखना चाहते हैं। और क्या क्या मुद्दा रखा गया है, एक एक करके मैं पॉइंट टू पॉइंट चलूं तो जैसा कि वर्तमान सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में 1,00,000 शासकीय पदों पर भर्ती करने, साथ ही साथ शिक्षक भर्ती के 33,000 पदों पर सामान्य ग्रेजुएशन की भर्ती, टेक्निकल की भर्ती, स्वास्थ्य विभाग की भर्ती और अन्य भर्तियाँ शामिल है। इन भर्तियों के लिए जल्द से जल्द जो है वादा के अनुरूप कार्यवाही प्रारंभ करने की कृपा करें, अर्थात भर्ती की नोटिफिकेशन निकालने की कृपा करें। ये पहली मांग है। दूसरी बात कही गई है, वर्तमान सरकार द्वारा विधानसभा चुनावी घोषणा पत्र में यूपीएससी की तर्ज पर जो है टाइम टेबल जारी करने की बात कही थी, इसलिए अब जो है एक तय सीमा में ही सबकी ज्वाइनिंग हो जाए, इसके लिए एग्जाम टाइम टेबल निर्धारित करें ताकि समयबद्ध रूप में भर्ती की कार्यवाही निकल सके और पूर्ण हो सके। ये दूसरी मांग। तीसरी मांग जो कि बेरोजगारों द्वारा कही गई है कि वर्तमान सरकार द्वारा विधानसभा घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुरूप सीजीपीएससी की घोटाला सीबीआई को सौंपी गई थी, तो उसकी जांच की जाए और उचित न्याय दिलाने की कृपा करें। पिछले कई वर्ष प्रदेश में युवाओं के लिए काफ़ी कठिन वर्ष रहे हैं, क्योंकि वर्तमान नवीन सरकार के आने के पश्चात युवाओं में उम्मीद की किरण जगी है, भरोसा जगा है, आशा जगी है, इसलिए इन समस्त मुद्दों पर कार्रवाई करने की कृपा करें। तो ये पहला लेटर है जो कि माननीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ को दिया गया है। और एक और लेटर है, एक और ज्ञापन है जो कि माननीय श्री ओम प्रकाश चौधरी जी वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को भी दिया गया है, जिसमें 33,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती सहित अन्य विभाग, चाहे टेक्निकल डिपार्टमेंट हो, स्वास्थ्य विभाग हो या और अन्य विभाग हो, सामान्य ग्रेजुएशन की भर्ती हो, पूरे पदों पर अर्थात 1,00,000 पदों पर भर्ती का जो जिक्र है किया गया है। तो इन तमाम पदों पर भर्ती हो इसके लिए युवा बेरोजगारों द्वारा ज्ञापन दिया गया है। तो ये दो ज्ञापन है, जो कि पहला ज्ञापन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी को दिया गया, दूसरा ज्ञापन जो कि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी सर जी को ज्ञापन दिया गया है और मांग किया गया है कि जल्द जल्द से जल्द जो है इन पदों पर भर्ती की कार्यवाही शुरू करें। तो अब जो है शासन को भी जल्दी से जल्दी संज्ञान में लेना होगा, क्योंकि 6 माह का समय ऑलरेडी बीत चुका है और एक पद पर भी अभी तक भर्ती नहीं निकली है, एक भी पद पर अभी तक किसी को नौकरी नहीं मिला है। तो शासन को, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द जो है शिक्षक भर्ती के साथ साथ अन्य विभागों की भर्ती, चाहे सामान्य ग्रेजुएशन वाले हमारे साथी हो, चाहे अन्य व्यापम की तैयारी करने वाले हमारे साथी हो, सबके लिए एक पॉजिटिव खबर अब विभाग द्वारा हो या शासन द्वारा हो अब आना ही चाहिए, क्योंकि 6 माह का एक लंबा अंतराल बीत चुका है। इस वीडियो में इतना ही। साथी नए हैं चैनल से जुड़े रहेंगे, किसी भी प्रकार की अपडेट हमें मिलती है आप तक चैनल के माध्यम से साझा करते रहेंगे। चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।